हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर महीने में दो गणेश चतुर्थी आती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या के बाद आने वाली गणेश चतुर्थी का बहुत महत्व है जो अब आने वाली है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के तौर पर पूजा जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 10 दिन चलता है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु बड़े धूमधाम के साथ जुलूस निकालते हुए गणपति बप्पा की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी कब पड़ रही है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। गणेश चतुर्थी पड़ रही है बुधवार यानी 31 अगस्त को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अगस्त को शाम 3:33 से। चतुर्थी तिथि खत्म होगी 31 अगस्त को शाम 3:22 पर। गणेश पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:24 से दोपहर 1:54 तक। गणेश विसर्जन की तारीख है 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं जिसमें आप अपना खास काम कर सकते हैं, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। इस दिन रवि योग बन रहा है जो सुबह 6:23 से 1 सितंबर को सुबह 12:12 तक होगा। विजय मुहूर्त होगा रात को 2:44 से रात को 3:34 तक। निशिता मुहूर्त होगा 1 सितंबर को सुबह 12:16 से 1 सितंबर को ही सुबह 1:02 तक। ये तो रही मुहूर्त की बात। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको बप्पा को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे वो बहुत खुश हो जाएं। गणेश चतुर्थी के दिन घर पर बप्पा की मूर्ति स्थापित करते समय आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अर्पित करनी चाहिए, आइए बताते हैं। सबसे पहले दुर्वा घास। भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दूब घास को गंगा जल से साफ करके इसकी माला बनाइए और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। मोदक। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। ऐसे में आप जितने दिन भी गणपति जी को अपने घर में रखें, हर दिन उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाएं। केला। भगवान गणेश को केले भी बहुत पसंद हैं। ऐसे में भगवान गणेश को लगने वाले भोग में केले को जरूर शामिल करें। सिंदूर। गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दौरान रोजाना भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक जरूर करें। वीडियो डिस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।